हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बोथ द क्लासेस 11th एज वेल एज इन 12th। 11th में आप ये चैप्टर पढ़ोगे इन बायोलॉजी और 12th में आप सेम चैप्टर पढ़ोगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोमॉलिक्यूल्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई, हु हैज गिवन दिस टर्म कॉइन एंड द डिफरेंट एग्जांपल्स विल स्टडी इन दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म एंजाइम वॉज कॉइंड बाय अ ग्रेट साइंटिस्ट कुहने। कुहने हैज गिवन द टर्म दैट इज एंजाइम। उसके बाद आया हमारे पास एक और साइंटिस्ट एंड हिज नेम वॉज समर। जो समर थे उन्होंने एक प्लांट था जैक बीन। जैक बीन जो प्लांट था उसमें से उन्होंने एक एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया। द नेम ऑफ दैट एंजाइम वॉज यूरियस। और यूरियस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किया था समर ने। आफ्टरवर्ड्स ही हैज डिस्कवर्ड, उन्होंने ही हमें यह बताया कि जितने भी एंजाइम्स है वो सब प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, मतलब वो सभी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो आरएनए एंजाइम्स होते हैं, जो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, सो दे आर द एक्सेप्शंस हियर। सम एग्जाम्पल्स फॉर दिस टाइप ऑफ एंजाइम आर राइबोसाइम्स एंड राइबो न्यूक्लियस पी। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। ये जो राइबोसाइम एग्जाम्पल है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कैच एंड ही हैज टेकन इट आउट, ही हैज एक्सट्रैक्टेड इट आउट फ्रॉम द टेट्रा हैमेना विच बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ। नेक्स्ट इज द एंजाइम जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है वो है राइबो न्यूक्लियस पी। ये वाला एंजाइम जो है ये दिया था हमें अल्टमैन ने, अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था एंड इट वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय द बैक्टीरिया। तो लाइक दिस इन दिस स्लाइड वी हैव सीन दैट हु हैज गिवन द टर्म, हु हैज कॉइन्ड द टर्म एंजाइम एंड हाउ इट हैज बीन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं अपने फीचर्स के लिए एकदम स्पेसिफिक होते हैं, उनके फिक्स फीचर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला फीचर है बायोकैटलिस्ट। ऑल द एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। इट मीन्स दे नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। दे आर कॉल्ड एज अ बायोकैटलिस्ट। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, दे रिमेन अनचेंज बट दे आर इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एज वेल एज दे आर पीएच सेंसिटिव इन नेचर। अगर हम उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो टूट जाते हैं, पर अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं दैट दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव और वी कैन से दैट इट इज अ थर्मोलेबल। हाई इफिशियंसी होती है इनकी और टर्न ओवर नंबर होता है। वॉट इज दिस टर्न ओवर नंबर, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स वन मोर फीचर दैट इज द एक्टिव साइट। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव साइट को शो करते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप की साइट होती है। दैट साइट इज अटैच विद द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन करता है, वो एक्टिव साइट पर जाकर अटैच हो जाता है। और ये जो एक्टिव साइट्स होती है ये अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। अमीनो एसिड इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये अमीनो एसिड से बनी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनियस इन नेचर। नाउ ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अब ये जो एंजाइम्स होते हैं इनमें एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके अटैच होकर रिएक्शन शो करते हैं एंड दे फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टर्नओवर नंबर। व्हाट्स दिस टर्नओवर नंबर? एज वी नो दैट दे एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, इसका मतलब ये किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। रेट जब भी कन्वर्शन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो ये रेट ऑफ कन्वर्शन जो होता है इसी को हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है इसमें इसकी फॉर्मेशन होती है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। जब CO2 और H2O रिएक्शन करते हैं एंड दे फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, इस टाइम पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक एंजाइम एक्ट करता है एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये वाला जो एंजाइम है ये जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये इसकी रेट को इंक्रीज कर देता है, प्रोडक्ट के रेट को, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। जब ये विदाउट एंजाइम रिएक्शन होती है सेम रिएक्शन, तो ये 200 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है एक घंटे में, इट मीन्स 200 मॉलिक्यूल्स इन वन आवर। ओके, पर जब ये विद एंजाइम रिएक्शन करता है, विद एंजाइम जब सारी चीजें होती हैं, तो ये फॉर्म करता है 6×10⁵ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये बना सकता है। इट मीन्स इट एक्ट्स एज अ बायोकैटलिस्ट। ओके,
नाउ सम फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर विच अफेक्ट ऑन दिस टर्नओवर नंबर, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी. रेट ऑफ कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे एक दूसरे से उतनी ही ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी. एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब अगर रिएक्शन हो रही है और हम प्रोडक्ट्स को रिमूव कर ले वहां से तो हम रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं. लाइक दिस, दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. फर्स्ट इज नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, सेकंड इज रेट ऑफ कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड इज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट. ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन. एंजाइम कहाँ से आया, एंजाइम किससे बने होते हैं, एंजाइम में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, दैट ऑल वी हैव स्टडी. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है ये दो बेसिस पर है. पहला बेसिस का ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, और जो दूसरा बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, क्योंकि हमने अभी एक्टिव साइट के बारे में पढ़ा था. एक्टिव साइट मतलब ऐसा कोई साइट जहां पर कोई एक सब्सट्रेट जाके रिएक्शन कर सके. तो ये रिएक्शन सेल के अंदर भी हो सकती है और सेल के बाहर भी. तो इसी वजह से हमने इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट इज एंडो एंजाइम एंड सेकेंड इज एक्सो एंजाइम. अगर हम एंडो एंजाइम की बात करते हैं, एंडो एंजाइम मतलब सेल के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है एंडो मतलब सेल के अंदर, एक्सो मतलब सेल के बाहर. द सेम कॉन्सेप्ट हियर इज ऑल्सो देयर. फर्स्ट इज एंडो एंजाइम. अगर सेल के अंदर रिएक्शन होती है बिकॉज ऑफ एनी एंजाइम तो हम उसे एंडो एंजाइम कहते हैं, और अगर सेल के बाहर होती है तो इट इज कॉल्ड एज एक्सो एंजाइम. सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, जैसे ग्लाइकोलिसिस हुआ, क्रैब साइकिल हुआ, जो हमारी पूरी रेस्पिरेशन के रिएक्शन होती है, दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज एंडो एंजाइम. पर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे एग्जाम्पल हैं एक्सो एंजाइम्स के. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंजाइम्स आर क्लासिफाइड एज टू, वन इज एंडो एंजाइम एंड सेकेंड इज एक्सो एंजाइम. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन जो क्लासिफिकेशन है इट वॉज गिवन बाय डकलॉग्स. अभी जो डकलॉग्स है इन्होंने इसकी छह क्लासेस बताई थी, सिक्स क्लासेस आर देयर. और ये इसकी इसका जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि आपको ये छह क्लासेस सीरीज में ही लर्न करनी होती है. यू कैन नॉट चेंज द सीरीज ऑफ दिस नेम्स ऑफ द एंजाइम्स. इसमें सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम, सेकेंड इज ट्रांसफेरेस एंजाइम, थर्ड इज हाइड्रोलिसिस एंजाइम, फोर्थ इज लाइसिसिस, फिफ्थ इज आइसोमेरेज, एंड लास्ट इज लाइगेसिस एंजाइम. नाउ लेट्स सी वन बाय वन अबाउट देम. फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेस. ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, उस टाइप की रिएक्शन में दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैन एक्ट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफेरेस एंजाइम, ट्रांसफेरेस एंजाइम में अगर कुछ ट्रांसफर शो करते हैं, लाइक हम सपोज कर लेते हैं कि एस इज एनी एस एंड एस डैश आर द टू रिएक्टेंट्स. जब एस में हम किसी और प्रोडक्ट को, किसी और रिएक्टेंट को एड करते हैं, लाइक एस प्लस जी हमने लिखा, और जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो जो जी है वो एस डैश के पास जाकर कंबाइन हो जाता है, एंड एस विल बी देयर, एस विल बी फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसफेरेस एंजाइम के कारण होने वाली रिएक्शन. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस. हर वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हर वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो पानी के कारण होती है या पानी में होती है या बिकॉज ऑफ वाटर इट अकर्स, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस एंजाइम. नेक्स्ट है लाइसिसिस. हर वो रिएक्शन, हर वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो विदाउट वाटर होती है, इट कैन बी कॉल्ड एज बिकॉज ऑफ लाइसिसिस. एंड नेक्स्ट इज आइसोमेरेस. आइसोमेरेसिस में आइसोमर्स फॉर्म होते हैं. आइसोमर्स फॉर्म होते हैं मतलब कोई भी ऑप्टिकल फॉर्मेशन या पोजिशन चेंज्ड कुछ फॉर्म होता है एंड द स्ट्रक्चर में चेंज, देन इट इज कॉल्ड द आइसोमेरेस एंजाइम. एंड लास्ट इज लाइगेसिस एंजाइम. लाइगेसिस एंजाइम में ऐसा होता है कुछ ब्रेकडाउन नहीं होता, इसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो वापस फॉर्म कर लेते हैं, फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं. लाइक अगर हम डीएनएल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डीएनएल एप्लीकेशन में जब भी एप्लीकेशन होता है तो उसमें कुछ प्राइमर्स की फॉर्मेशन होती है, तो ये प्राइमर्स को हटाकर वहां पर एक कंबाइनिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइगेज. तो लाइक दिस, दीज आर द डिफरेंट एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ लेट्स सी द नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में इसका एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर यही है, दैट फोर डिजिट नोमेनक्लेचर. अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो इट इज क्लास, सेकेंड इज सब क्लास, थर्ड इज सब क्लास,
and fourth is individual enzymes. Okay, तो first class, जैसे first class है fourth digit nomenclature, तो इसमें हम ये चार digit ही use करते हैं and this is the only nomenclature of enzyme, all the enzymes. तो now in this lecture we have studied about the classification of enzymes and how it has been discovered and which scientists were involved in the discovery of enzymes. Now in our next slides we'll study about the composition, action and other features of enzyme in our next lecture. Thank you. Please do like and subscribe our channel, Our Budding Educationist. Thank you.